जेल में रहने वाले कैदी भी अब अपने अच्छे भविष्य के लिए काम सीखेंगे और रोजगार कर पाएंगे। मोहन यादव सरकार जेलों में बड़ा सुधार करने जा रही है। अब कैदियों को योगा, आध्यात्मिक और तकनीकी के साथ शिक्षा दी जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार के प्रवक्ता मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि व्यस्त और भागदौड़ वाली दिनचर्या से लोगों के जीवन में तनाव बढ़ता जा रहा है। वहीं जेल में रहने वाले कैदियों में तनाव अधिक बढ़ने की संभावना है। ऐसे में उन्हें शांत, खुश और तनाव मुक्त बनाने के लिए आध्यात्मिक प्रशिक्षण की आवश्यकता है। इसलिए मोहन सरकार जेल के सुधार के लिए कमेटी बनाएगी, जिसमें योग, आध्यात्मिकता और तकनीक शिक्षा दी जाएगी। इससे जेल का वातावरण भी सुधरेगा और उनके सोए हुए गुण भी उभरेंगे, जिससे वे रोजगार भी कमा पाएंगे। जेल, ये बात सही है कि जेलों में सुधार लगातार चल रहा है। आज मुख्यमंत्री जी ने फिर से कहा है कि वहाँ पर सांस्कृतिक आध्यात्मिक गतिविधियों का केंद्र बने, साथ ही उनकी कौशल कला उसके ऊपर भी ध्यान दें। सागर का आज बड़ा उल्लेख हुआ, सागर के हमारे यदि भाई बहुत अच्छा उन्नत कपड़ा बनाते हैं, जो लोग बिल्कुल लाइन से खरीदते हैं उनके यहाँ, और लगभग पूरे प्रदेश में जेल के कैदियों के द्वारा उत्पादन से लगभग 4 करोड़ से अधिक की राशि का लाभ भी हुआ है। हम उनको किस प्रकार जेल सुधार की योजना कर सकें, उसके लिए एक कमेटी भी हमारी, विशेषकर हम जेल के अंदर योगा, अध्यात्म इसके ऊपर फोकस करेंगे और उनको तकनीकी शिक्षा भी देंगे, जिससे कि वे स्वयं का रोजगार कर सके, एक जेल का वातावरण सुधारें। इस दिशा में आज निर्णय लिया गया है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF ranked for 5 consecutive years। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।